ना बात करने को ले तो आया धर्मपाल, ये बोलेगा के मेरे यार, बाल ब्रह्मचारी को सीधा शादी का प्रस्ताव भी तो दे नहीं सकता ना। इस बार के ज्ञान देना चाहते हैं धर्मपाल जी, आज मौसम बड़ा सुहान। आपको पता है इंस्पेक्टर साहब, ये बारिश इंद्रदेव की कृपा से होती है ना। उस दिन हनुमान जी का पाठ पढ़ाया था, आज इंद्रदेव की लीला दिखा रहे ना, चाहते क्या आप धर्मपाल जी। और सुना है इंद्रदेव के दरबार में कई अप्सराएं होती थी, सुंदर सुंदर, रंभा, उर्वशी, मेनका, जिनके सामने आते ही बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती थी। ना यो कहानी तो मैंने भी सुनी है धर्मपाल जी। उसके बाद वो जो ऋषि मुनि है वो अपनी स्पेशल पावर यूज करके श्राप दे देते थे। तोता बन जाओ। क्या कर रहे हो? I'm so sorry धर्मपाल जी, नो मैं थोड़ी देर के लिए ना अपनी चाइल्डहुड मेमोरी में चला गया। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात। तो आप क्या कह रहे थे धर्मपाल जी? ना वही तो समझ ना आ रहा है, कैसे कहूं कि आप अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ो और गरिमा से ब्याह कर लो। क्या कह रहे थे? ना मैं तो ऐसे ही। इंस्पेक्टर साहब, ये बारिशों में फूल बड़े अच्छे खिलते हैं। है ना इंद्रदेव, मेनका, रंभा, उर्वशी से सीधा फूलों पे जम। और मैं सोच रहा था कि धर्मपाल जी ने मन्ने गरिमा जी के साथ देख लिया, पर यहाँ तो मामला कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। आपने कभी इस फूल पे भौरे को मंडराते हुए देखा है कि? ना धर्मपाल जी, असल जिंदगी में तो मैंने देखा ना है, पर हाँ फिल्मों में देखा है। ओल्ड फिल्मों में। हाँ, इब सही दिशा पकड़ी रेलगाड़ी ने। ना आपको याद है फिल्मों में ऐसा सीन दिखाते थे, उसके बाद क्या होता था? ना यूं ही तो मिस्ट्री है धर्मपाल जी, ना फिल्मों में जब भी ऐसा सीन आता था मम्मी पानी लेने भेज देती थी, कहती थी जाओ बेटा बाहर खेल के आओ। ना सारी गलती तो माँ बाप की है भाईगौर, बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते, और बच्चा बेचारा बन गया बाल ब्रह्मचारी। कौन? मम्मी है? धर्मपाल जी ना बाद में कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हाँ जी मम्मी, हाँ बट लेकिन नहीं वो तो ठीक है जैसे आप समझो। बात तो होना रही मेरे से, ब्रह्मचारी व्रत तोड़ने को कैसे कहूंगा? ना ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक छोरी का दिल टूटने से ना बचा पाया, दूसरी के साथ ऐसा ना होने दूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.